संडे मॉर्निंग आई ऑलरेडी टेकन द शावर और आज का दिन थोड़ा स्पेशल है. आज मेरे भांजे का बर्थडे है, ईशान का बर्थडे है. सो इस लॉकडाउन में, इस लिमिटेशंस में पता नहीं हम लोग बर्थडे किस तरह से उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम लोग करना चाहते हैं. बट विद इन फैमिली मेम्बर्स हमने कुछ अरेंजमेंट्स की हैं. सो लेट्स सी अभी क्या क्या सीन्स आगे होने वाले. सो दिस इज माई वेरी क्यूट स्मॉल वर्क स्पेस. ये इसके बारे में डिटेल वीडियो में कभी और बताऊँगा. अभी चलते ही नीचे. द बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे ईशान. पिछले कई दिनों से रांची का वेदर बहुत ही रैंडम चल रहा है. मतलब दिन में बहुत ज़बरदस्त धूप हो जाती है और शाम को बारिश या फिर थोड़े सा पहले बारिश हो जाएगी या फिर यू नो ये इस तरह से चल रहा है. थोड़ी बारिश, थोड़ा धूप. अभी बहुत धूप है बाहर. अभी 12 बज रहे हैं और बिल्कुल बहुत कड़ाके की धूप है बाहर. बाहर निकलो तो ऐसे भी लोग बाहर निकलेंगे नहीं. तो लॉकडाउन तो लॉकडाउन ही है. हे गाइस, आज मेरा बर्थडे है और आज मेरे बर्थडे में बहुत सारे चॉकलेट आने वाले हैं और मेरे बर्थडे में बहुत से गिफ्ट भी आने वाले हैं. ईशान टर्न्ड 6 इयर्स ओल्ड. पहले जब व्हेन ही वाज बॉर्न वो ऐसा दिखता था. Then he turned from this to this. तो गाइस प्रिपरेशंस हो चुकी हैं पूरी तरह से अभी और डेकोरेशन भी हो चुका है. कुछ बलून भी फूट चुके हैं उस तरफ से और ये बेसिक डेकोरेशन है. एंड हियर इज द केक. तो गाइज डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर का मेन्यू थोड़ा सा चाइनीज़ रखा है इस घर पे. तो घर के अकॉर्डिंग जो फूड है वो लग नहीं रहा कि घर का प्रिपरेशन है. अब खुद ही देख लो. तो यहाँ पे है वेज सोयाबीन नूडल्स विथ वेज मंचूरियन ग्रेवी विथ पनीर रोल. साथ में है खीर. सो ऑल्सो वी हैव कस्टर्ड. इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए. तो अभी बस खाना शुरू करते हैं.